मुंबई से 20 किलोमीटर की दूरी पर ऐसी एक सीक्रेट जगह है जहाँ आपको देखने मिलेंगे इतने सारे फ्लैमिंगोस। आज मैंने वो देखा जो शायद ही किसी इंडियंस ने देखा होगा। तो ऐरोली से ऑटो करके मैं आ जाता हूँ दिवाकोलीवाड़ा। वहाँ से अपनी 450 की फ्लैमिंगो सफारी की टिकट निकाल के मैं चला जाता हूँ इस प्लेस के सबसे सीक्रेट वुडन ब्रिज पर, जहाँ कुछ कदम चलने के बाद ये ब्रिज का एंडिंग पॉइंट कुछ ऐसा होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था, जो दिखने में इतना खूबसूरत था। अब ये व्यू के चक्कर में मेरी फेरी सफारी का टाइमिंग कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर जैसे तैसे भागा दौड़ी कर फाइनली मैं रेडी होकर फेरी में एंटर कर ही लेता हूँ। अब ये मेरा फर्स्ट फ्लैमिंगो एक्सपीरियंस था। जैसे जैसे बोट आगे चलने लगी थी वैसे मेरी फ्लैमिंगो को देखने की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई थी। लिटरली 20 से 30 मिनट हो गए थे बट फ्लैमिंगो दिख तो रहे थे पर काफी दूर थे। अब ये देख के मुझे काफी बुरा फील हो रहा था। फिर जैसे ही हम कुछ और आगे गए भाई साहब मैंने कुछ ये देखा, इतने सारे फ्लैमिंगो जो आज से पहले मैंने इन्हें इतने पास से कभी नहीं देखा था, और इन्हें मैं देखते ही रह जाता। जिन्हें देख के एक अलग लेवल की खुशी मुझे हो रही थी। सच में बेस्ट डे इन माई लाइफ।